आज राजमा बनाएंगे। देखिए राजमा ऐसा होता है, तो इसको रात भर भिगाने के बाद ये ऐसा होता है। इसको कुकर में डाल के पानी डाल रही हूँ। इसको 5-6 विजल लेके नरम बॉईल कर लेंगे। देखिए कितना अच्छा ये बॉईल हो गया है। इसके लिए जो सामग्री चाहिए, अदरक मिर्ची, जीरा, कड़ी पत्ता, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, नमक, तेल, उगार के लिए तेल, टमाटर, 5-6 टमाटर लिया है, राजमा बॉईल किया हुआ लिया है। एक मिक्सी जार में टमाटर डाल रही हूँ, अदरक मिर्ची, इसको नाइस पीस लेंगे। एक कढ़ाई में ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल गर्म होने के बाद जीरा, कड़ी पत्ता, हिंग, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, टमाटो मिक्सी करके रखा था ना, वो टमाटर भी इसी में डाल रही हूँ। स्वाद अनुसार नमक, अभी जो बॉईल करके राजमा रखा था ना, वो भी इसमें मिक्स कर रही हूँ। देखिए एक 5 मिनट के लिए बॉईल कर लेंगे। अभी राजमा तैयार हो गया है। इसको सर्विंग बाउल में निकाली हूँ। गार्निश के लिए धनिया डाली हूँ। राजमा रेडी।